नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धरातल न्यूज़ में। आज जिस प्रकार से कोरोना महामारी चल रही है, विद्यार्थी वर्ग है, अभिभावक जो है वो विद्यार्थी की पढ़ाई को लेकर के काफ़ी चिंतित है। इस दौरान हमारे इस 45 क्षेत्र के अंदर या सिरसा जिला के अंदर जितने भी स्कूल है वो तरह तरह से अपने जो स्टडी है बच्चों को कैसे करवा रहे हैं, उनके जो मन में कुछ सवाल हैं उनका भी जवाब जो है वो स्कूल की तरफ से चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिया जा रहा हो या किसी प्रकार से कॉन्टैक्ट करके बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे इस समय सर छोटूराम स्कूल चोपटा एरिया ही नहीं सिरसा जिला के अंदर भी विख्यात है, क्योंकि उनके पीछे का जो रिजल्ट आया था एक बार 10th का, उसमें उन्होंने परचम लहराया था। वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। और इस समय हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी टीम पहुँची है सर छोटूराम स्कूल जमाल, और यहाँ पर हमारे साथ स्कूल के जो MD हैं विनोद जी खुद हमारे साथ है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सुदेश जी आपका भी विद्यालय के अंदर स्वागत है, ताकि आपने इस दौरान हमारे को मौका दिया अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। सर, अब जो कोरोना महामारी चल रही है इसमें काफ़ी छुट्टियां आ गई है, इस दौरान देखने में आया कि बच्चों के मन में और अभिभावकों के मन में एक जर्नली सा क्वेश्चन है कि स्कूल कब तक ओपन होंगे। सर ऐसे कोई गाइडलाइन? देखिए, इस महामारी का कोई पता नहीं कितनी चलेगी, जी लेकिन जैसे भी सरकार के आदेश होंगे, जैसे जी हरियाणा सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड रखी है जी कि 10th से अबो की क्लासेस जल्दी शुरू की जाए जी या ओड इवन सिस्टम दिया जाए, जी एक दिन प्राइमरी की क्लासेस, एक दिन हाई की क्लासेस, जी तो उसी के अनुसार जैसे सरकार के आदेशों की पालना करते हुए, जैसे भी आदेश होंगे, जो भी नियम होंगे, जी उनको लागू करते हुए जल्दी से जल्दी, जैसे जो सरकार आदेश देगी उसके अनुसार ही स्कूल खुलेंगे। वैसे अपनी मनमानी इस दौरान नहीं चलानी चाहिए कि अगर हम कहें कि बच्चे की पढ़ाई खराब हो जी रही है, तो जी स्वास्थ्य पहले है, जी सर जिंदगी है तो जान है। जी सर इस दौरान जब छुट्टियां चल रही है तो आपके स्कूल की तरफ से बच्चों को किस प्रकार पढ़ाई करवाई जा रही है? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जी लगभग पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड सेट हैं, जी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जी हर डेली काम बच्चे का जाता है, स्टाफ जी मेंबर जी हमारे ग्रुप में हर रोज़ काम डालते हैं, जी और अगर बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मैनेजमेंट भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, जी उन्हें मैनेजमेंट की उस पर नज़र रहती है, जी अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसी टाइम उसको सॉल्व करते जी हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस का कोई फीडबैक आ रहा है पेरेंट्स की हाँ तरफ? जी, फीडबैक आ रहा है, जी कुछ बच्चे हैं 2-4% जो जी काम नहीं कर पा रहे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, जी लेकिन लगभग 95% स्टूडेंट काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर जो अब गैप आया है स्टडी का, पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, अब जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपकी स्कूल की तरफ से वो गैप कैसे पूरा किया जाएगा, बच्चों को कैसे वापस उस जगह पर लाया जाएगा? क्योंकि हमारा स्टाफ है वो बहुत मेहनती है, जी और हम एक साल का काम 6 महीने में भी करवाने में सक्षम है, इतनी जी हमारे अंदर योग्यता है। जी अगर जुलाई महीने में स्कूल खुलते हैं और किसी बच्चे की घर से या ऑनलाइन स्टडीज से उसका लिंक नहीं हुआ है, तो जी हम जुलाई या अगस्त से भी अगर स्कूल खुलते हैं तो भी हम पूरा सिलेबस कराएंगे पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि हमारा स्कूल अक्सर ज्ञान के अंदर जी अग्रणी है, जी हम पढ़ाई के मामले में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे, जी हम अपने एरिया के सभी अभिभावकों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा बच्चा एजुकेशन में पीछे नहीं रहेगा। जो पिछले सत्र के अंदर हमारा जो मैट्रिक का रिजल्ट रहा है जी या और बाकी क्लासेज में रिजल्ट रहा है, उससे भी बेहतर हम आगे वाला जो रिजल्ट है उससे भी बढ़िया देने की हम कोशिश करेंगे, और सभी अभिभावकों को हम विश्वास दिलाते हैं कि बच्चे की पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। जी चलिए, इन्होंने बताया कि जो इस समय अब जो बच्चे पढ़ाई को लेकर के चिंतित है या जो इस दौरान जो छुट्टियां चल रही है, कहीं ना कहीं अगर अभिभावकों को या बच्चों को डर है कि वो स्टडी से वंचित रह जाएंगे, तो विनोद जी खोत ने पूरा विश्वास दिलाया है कि ये जो गैप है इसको हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा स्टाफ है जिन्होंने सिरसा जिला के अंदर भी बच्चों के 10th के रिजल्ट में परचम लहराने का काम किया था। हम इस बार जी तोड़ मेहनत करेंगे। और सर अगर बात की जाए, अगर जरूरत पड़ी आपको वैसे लगता है कि दिन कम रहेंगे तो छुट्टियों को लेकर के अगर कोई हाँ, प्रोसेस? छुट्टियाँ मिस कर सकते हैं हम, जी जो भी गजटेड हॉलीडे हैं या गवर्नमेंट छुट्टियाँ हैं उनको हम मिस करेंगे, सुबह शाम की क्लासेस लगाएंगे, जी उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, जी हमने सर फ्री ऐसा भी सुनने में आया कि कई बार तो आप भी नाइट। नाइट को भी रह जाते हैं बच्चों के हाँ, लिए। कैंप कैंप टाइप, जैसे मैट्रिक के बच्चे हैं उनको परीक्षा से पहले एक महीने हम कैंप टाइप यहाँ नाइट स्टे करते हैं, जी उनका विशेष उसका ध्यान, बेनिफिट मिलता है सर? 100% बेनिफिट।
जी, और बच्चे बड़ी लगन से आते हैं, प्यार से आते हैं, यहाँ घर जैसा माहौल दिया जाता है जी। कोई बच्चा घर नहीं रोकता है जी, कहता है सर मैं आपके पास रहूँगा। मतलब परीक्षाओं जब नज़दीक आते हैं तो उन पर परीक्षाओं का बहुत सवार हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि सर मेरे कितने मार्क्स आएंगे। तो पेरेंट्स भी इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सहयोग है। चलिए, पिछले 10 सालों से बहुत अच्छा लग रहा है। वे अपने बच्चे को रात को स्कूल में छोड़ना जी, लेकिन हमारे अंदर लोगों का विश्वास है जी, तो इसलिए वो मेरे पे विश्वास करके बच्चे को मेरे पास छोड़ते हैं और मैं उस विश्वास पे खरा उतरता हूँ। चलिए, इन्होंने बताया कि बच्चों को अगर मतलब परीक्षाएं जब नज़दीक आती है तो इनको जब अब की बार तो लगता है कि परीक्षाएं इनके पास कम टाइम होगा तो ये हॉलीडे भी मिस करेंगे, और बच्चों को परीक्षाओं से ठीक पहले ये नाइट कैंप का आयोजन करके भी बच्चों को स्टडी से जोड़े रखते हैं। तो आप तमाम सारी बातों से समझ चुके हैं या अवगत हो चुके हैं कि किस प्रकार से सर छोटराम स्कूल जो है वो इस क्षेत्र के अंदर पढ़ाई को लेकर के हर बार एक नया आयाम स्थापित करता है। कैमरा सहयोगी अंकित पुनिया के साथ सुदेश पुनिया, धरातल न्यूज़।